या बिहार? अरे यहाँ बिहार तो मतलब सर आप बिहार से यहाँ आए हो, कहाँ? दरगाह शरीफ में आए हो। जो अम्बेडकर नगर जिला है तो पहले किस जिले में था? हैदराबाद जी। तो आप बता सकते हैं 29 तारीख को क्या है अम्बेडकर नगर जिले का स्थापना दिवस? अगर जिला बड़ा नहीं होता तो उन्हें कितनी समस्या झेलनी पड़ती है, चलते कम से कम 300 किलोमीटर। और काफी राहत है शिव बाबा के मैदान विशाल। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शैलेश कुमार आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों आज है 29 तारीख और 29 सितंबर है। दोस्तों आज के दिन हमारे अंबेडकर नगर का स्थापना हुआ था और अंबेडकर नगर की स्थापना 25 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों, जो इसको रजत जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों आज मैं यहाँ के अंबेडकर नगर वासियों से, अंबेडकर नगर जब फैजाबाद में जुड़ा था तो उनसे पूछूंगा कि इस विभाजन और इस अंबेडकर नगर की स्थापना पर आप लोगों को किस किस लंबी यात्रा से छुटकारा मिला है। तो दोस्तों आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों हम वीडियो की तरफ, तो आप वीडियो में बने रहिए। हम लोग पहुँच आए पूर्वी चौराहे पर और आप लोगों के यहाँ के जो ग्रामीण रहने वाले लोग हैं उनसे अंबेडकर नगर के स्थापना दिवस के बारे में पूछ के बताते हैं और जब अंबेडकर नगर जिला बड़ा नहीं होता तो उन्हें कितनी समस्या झेलनी पड़ती है, चलते हैं दोस्तों पूछने के लिए। एक दुकान पे पहुंचाए हैं जो किराने दुकान है, यहाँ एक युवा बैठे हैं, आइए हम जानते हैं उनसे और अंबेडकर नगर जिले के बारे में जो आज स्थापना दिवस उसका है तो बताएंगे। तो आपका क्या नाम भैया? सुनील कुमार। आपका नाम सुनील कुमार है। तो आज 29 तारीख है जी, तो आप बता सकते हैं 29 तारीख को क्या है? अंबेडकर नगर जिले का स्थापना दिवस। अंबेडकर नगर जिले का स्थापना दिवस हुआ तो 29 सितंबर 1995 को हुआ है। हाँ। आप बताइए, चाहिए अगर अंबेडकर नगर जिला नहीं बना होता तो कैसी राय रहती आपकी? अगर जिला नहीं बनता तो लोगों को कठिनाइयों सामना करना पड़ता, जिले बनने से लोगों की तो फैजाबाद जिले में जाना पड़ता, तो अकबरपुर यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूरी है, तो यहाँ से तक करता है जो हर काम हो जाता है, दो आज तक है वहाँ से जिले का हर काम, जो समस्या ज़्यादा नहीं होती है, लोगों को दौड़ धूप करना नहीं पड़ता है। मतलब आपके कहने मतलब है अगर जिला नहीं बना होता फैजाबाद से अभी तक जुड़ा होता तो हम लोगों को कोई भी काम कराने के लिए फैजाबाद जाना पड़ता और जिला बन गया। अब हमें अगर हम अम्बेडकर नगर किसी भी लास्ट छोरे पे रहें तो हमें अपने मुख्यालय अकबरपुर जाना रहेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा 40 किलोमीटर पड़ता है। ज़्यादा ज़्यादा 40 किलोमीटर, नहीं तो अगर हमें यहाँ से फैजाबाद जाना पड़ता 100 किलोमीटर पड़ता, पूरा समय उसी में लग जाता सर। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे अम्बेडकर नगर जो जिला है तो विद्यालय भी बहुत कम रहेंगे उस समय? हाँ विद्यालय सब कम थे, अब विद्यालय भी ज़्यादा हो गए हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक गिमटी की दुकान पे आए हैं जो यहाँ काफ़ी बुजुर्ग चाचा बैठे हुए हैं, तो ये स्थापना जब अंबेडकर नगर का स्थापना हुआ था तो सबके समय होंगे, आइए इनसे पूछते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? रघुनाथ। क्या नाम है आपका? रघुनाथ। रघुनाथ, तो सर आप बताएंगे जो अंबेडकर नगर जिला बना हुआ है आज इसका 25 साल हो गया है, 29 सितंबर 1995 के बना था ये। हाँ। तो आप उस समय फैजाबाद में थे, तो आप बताएंगे कि जब फैजाबाद जिला दोनों एक ही था अंबेडकर नगर में तो कितनी समस्या उठानी पड़ती थी? बहुत सारी समस्या उठाई पड़ती थी, बहुत समस्या उठानी पड़ती थी। हाँ। जैसे अगर आपको कोई काम करवाना रहता था जो नज़दीकी हो गई। हाँ अब बहुत नज़दीकी हो गई है। तो ये जो अंबेडकर नगर जिला किसके शासन में बना है? मायावती के। मायावती के शासन बना है, वही 29 सितंबर 1995 को जो बना है ना। जी जी। तो जैसे यहाँ जो विद्यालय हैं जो और कुछ सब कार्य हैं तो अंबेडकर नगर में था कि फैजाबाद सबको जाना पड़ता था? नहीं तो फैजाबाद जाना पड़ता था। कहाँ? साकेत विद्यालय में। हाँ। मतलब लोगों को काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी। हाँ। और कठिनाइयाँ काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता था। तो ये बताइए अंबेडकर नगर जिला बनने से कुछ फ़ायदा हुआ? ज़रूर है कुछ फ़ायदा हुआ। क्या जैसे कुछ बताएंगे? जैसे जिला बन गया है तो बहुत फ़ायदा हो गया, बहुत फ़ायदा हो गया, दूरी कम हो गई जाना पड़ता है। अच्छा, दूरी कम हो गई जाना पड़ता था, तारीख वगैरह देखने के लिए, तारीख वगैरह देखने के लिए सब फैजाबाद जाना पड़ता था अंबेडकर नगर जिले से नहीं। तो जैसे जब अंबेडकर नगर जिला ये बना तो लोगों की क्या राय थी, इसके समर्थन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? समर्थन कर रहे थे, सब लोग इसका समर्थन कर रहे थे अंबेडकर नगर जिले बनने का। नहीं तो इससे पहले जो राजे सुल्तानपुर से फैजाबाद जाना पड़ता कितनी दूरी, बहुत बहुत दूरी थी। तो मतलब इधर के जो गोविंद साहब जिले हैं, गोविंद साहब एरिया है, ये जिले के अंतर्गत नहीं आते थे, सब आजमगढ़ के अंतर्गत आते थे। हाँ। मतलब
चारों जो अम्बेडकर नगर के बॉर्डर में सभी जिलों से कुछ काट काट के बनाया गया है, कुछ काट काट अम्बेडकर नगर। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास एक व्यक्ति और है, आइए हम इनसे पूछते हैं। तो सर आपका क्या नाम है? अब्दुल समद। क्या? अब्दुल समद। अब्दुल समद नाम। सर आपका घर कहाँ पे है? अररिया बिहार। अररिया बिहार। तो मतलब सर आप बिहार से यहाँ आए हुए, कहाँ, दरगाह शरीफ में आए हुए हैं? जी हम दरगाह शरीफ में आए हैं, वहीं पर जो है कि पलाई में काम करते हैं। अच्छा, पलाई में काम करते हैं। तो आपको अम्बेडकर नगर में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। अम्बेडकर नगर जिला आपको बहुत अच्छा लगा? हाँ। तो दरगाह शरीफ भी बहुत अच्छा लगा होगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे अम्बेडकर नगर जिले में आने में आप क्या महसूस कर रहे हैं? यहाँ आने से रोजगार आपको मिला है? हाँ, रोजगार मिला है। तो क्या आप जानते हैं अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है? नहीं, ये तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, अम्बेडकर नगर का मुख्यालय जो है आपको तो नहीं पता होगा क्योंकि बिहार के। अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर है। जो अकबरपुर, अकबरपुर गए कभी? अकबरपुर वहाँ से? अकबरपुर गए नहीं अभी तक। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो दोस्तों, तो हम लोग एक गिनती पे आए हुए हैं, अभी वहाँ से पूछा है, तो अभी काफ़ी बुजुर्ग हैं जानते होंगे अम्बेडकर नगर जिले के बारे में। हेलो सर, तो आपका क्या नाम है सर? बदलू राम। क्या? परशुराम। बदलू राम। बदलू राम नाम है सर। तो सर आप बता सकते हैं जो अम्बेडकर नगर जिला है ये पहले किस जिले में था? फैजाबाद जिले। फैजाबाद जिले में। तो अगर ये जो जिला बन गया, इससे ग्रामीणों यहाँ के रहने वालों को क्या महसूस हो रहा? काफ़ी अच्छा लग रहा कि नहीं? तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फायदा भी हुआ। काफ़ी फायदा भी हुआ। तो ये जिला किसके शासन में बना था, किस गवर्नमेंट सरकार में? सुश्री मायावती। सुश्री मायावती की सरकार में। कब बना था ये? अभी तो ना याद बा। अच्छा, नहीं बना था ये 29 सितंबर, मतलब आज के दिन बना था, आज अम्बेडकर नगर का स्थापना दिवस है। क्या 29 सितंबर 1995 में बना था? इस पर जो युवा है हमारे अम्बेडकर नगर जिला के, वो लोग इसके बारे में जानते होंगे? ज़रूर जानते होंगे, कहें नहीं जानते। अच्छा, जानते जरूर होंगे ना। चलिए, जिसे अम्बेडकर नगर जब जिला बना, जब इससे पहले जिला नहीं था ये, फैजाबाद में था, तो लोगों को क्या समस्या बहुत झेलनी पड़ती थी? समस्या झेलने पड़ती, वहाँ राय सुल्तानपुर से किराया भाड़ा खर्च के उतने दूर सब जात रहा। राय सुल्तानपुर से किराया भाड़ा खर्च करके सब फैजाबाद जाता था, जाते थे। तो मतलब कि पूरा समय फैजाबाद लग जाता था जाने में। चलिए, अच्छा जो यहाँ विद्यालय हैं, तो उस समय एक ही विद्यालय हुआ करता था, डिग्री कॉलेज वही साकेत वाला। हाँ, लोग उतनी दूरी पर पढ़ने जाते थे। लोग कैसे जाते थे? साइकिल से जाएँ, पैदल जाएँ। मतलब बहुत समस्या सबको झेलनी पड़ जाती थी। अम्बेडकर नगर जिला बनने से काफ़ी लोगों को बहुत लाभ हुआ ना? बहुत लाभ हुआ। तो जो अम्बेडकर नगर जिला बना 29 सितंबर 1995, उस समय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी, इसके समर्थन में थे कि नहीं थे? मतलब जिला बनाए? हाँ, मतलब जिला के बनने के समर्थन में थे कि नहीं बनने के समर्थन में थे? ना, बहुत लोग थे। मतलब इसके समर्थन में लोग थे कि जिला बने, एक अलग से हम लोग का जिला रहे, उतनी दूरी हम तय नहीं करेंगे। तो ये तो है नहीं कि अम्बेडकर नगर जो जिला है फैजाबाद से कट के बना हो, जो अम्बेडकर नगर के पास के जितने जिले हैं सभी से कुछ ना कुछ कट के बना होगा। ज़रूर कट के। जैसे गोविंद साहब हो गया हमारा, आजमगढ़ साहब कट के बना हुआ है, इधर सुल्तानपुर जिले से कुछ कट के बने होंगे। सही बात है, हमें पूरा जानकारी ना कहाँ कहाँ से कट के बना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और चैनल को दोस्तों, सर कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ एक व्यक्ति घाटी बेच रहे हैं और काफ़ी बुजुर्ग हैं और पुराने समय के हैं, आइए इनसे पूछते हैं। आइए, तो सर आपका क्या नाम है? राजकुमार गुप्ता। राजकुमार गुप्ता। तो सर ये जो आप अम्बेडकर नगर जिला है, तो जब बना था आप तो जानते होंगे कब बना था ये? क्या 95 बना था ये जिला? 95। अच्छा, 95। ये 29 सितंबर 1995 का जिला बना हुआ था। तो आज 29 सितंबर है, तो आज स्थापना दिवस अम्बेडकर नगर का, तो आप इसमें कुछ बताना चाहते हैं कि अगर अम्बेडकर नगर जिला नहीं बना होता तो लोगों को क्या समस्या? बहुत परेशानी होती है अम्बेडकर नगर का जिला। हाँ, कम से कम 150 किलोमीटर दूर फैजाबाद जाना पड़ता था। 150 किलोमीटर फैजाबाद जाना पड़ता था। तो मतलब जब ये जिला बन रहा था तो आप इसके समर्थन में थे कि नहीं? नहीं, समर्थन में थे। और लोगों की क्या राय थी? सबकी राय थी जिला बन जाए अच्छा है, जिला बन जाए अच्छा रहे। चलिए दोस्तों, बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है, आइए इससे पूछते हैं अम्बेडकर नगर के कुछ बारे में। क्या नाम बाबू आपका? शिवा यादव। आपका नाम शिवा यादव। किस जिले में रहते हैं? नई बाजार जिला। आप तो नई बाजार क्षेत्र गाँव में रहते हैं, जिला बताइए, जिला किस जिले में रहते हैं आप? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर जिले में रहते हैं आप। तो आप जानते हैं अम्बेडकर नगर जिला पहले किस जिले में था? नहीं, अम्बेडकर नगर जिला पहले
फैजाबाद जिले में था। आपका जन्मतिथि कितना है? 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर। सन कितना है? 2011 जन्मतिथि है, मतलब आपका 2011 जन्मतिथि है। तो आपके 16 साल पहले ये जिला का स्थापना हुआ था। जानते हो जिले का क्या नाम है? अम्बेडकर नगर जिला नाम है उस जिले का। आज कितनी तारीख है? आज है आज 29 तारीख है। 29 तारीख कौन सा महीना है? सितंबर का। 29 सितंबर 1995 को एक जिला बना था जिस जिले का नाम है अम्बेडकर नगर। जानते हो ना अम्बेडकर नगर? तुम इसी जिले में रहते हो और इसका मुख्यालय जो है अकबरपुर में है। चाचा बताएंगे आप, जो अम्बेडकर नगर है ये पहले किस जिले में था? अम्बेडकर नगर पहले फैजाबाद जिले में था। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं जय भीम चेतना समिति का अध्यक्ष हूँ, जो गैर राजनीतिक पार्टी, गैर राजनीतिक संगठन है। यहाँ पे हमारे बसखारी में चल रहा है। अच्छा। हमारे यहाँ से कम 9 ग्राम जुड़े हुए हैं अड़ोस पड़ोस के। अच्छा। और जिले की जो बात है तो आज ही के दिन 19 सितंबर 1995 जी को हमारी बहन मायावती जी ने यहीं क्या नाम है शिव बाबा स्थल पे घोषणा की थी। और 1995 को जिले की घोषणा की गई और काफ़ी राहत है। जब जिला नहीं बना था, जिसे अम्बेडकर नगर नहीं बना था, पूरा क्षेत्र फैजाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, बस्ती सब आते थे कुछ कुछ न क्षेत्र, तो लोगों की क्या समस्या उठानी पड़ती थी? अरे तब तो काफ़ी दिक्कत होती थी। बिजली तिहाईपुर वहाँ बिल्कुल तिरवाहे राजे सुल्तानपुर के बॉर्डर से, हाँ। वहाँ से लोग आते थे बेचारे, सुबह निकलते थे तो पता चला कि एक दिन पहले कोर्ट पहुँचना पड़े, दूसरे दिन कोर्ट की सुनवाई हो, एक दिन बिफोर ही तैयारी सब लोग करते थे। काफ़ी डिस्टेंस, मतलब कि पूरा समय दिन भर दो दिन फैजाबाद जिले ही में घूम जाता था। तो जाने में लगता था एक दिन वहाँ पे अपना मर मुकदमा देख के, उसके बाद आदमी दूसरे दिन वापस आता था। जैसे जब जिला बना था आज लगभग 25 साल हो गए हैं, और इसको सिल्वर जुबली बोलते हैं, रजत जयंती भी बोलते हैं। जब ये जिला बना नहीं था तो अम्बेडकर नगर नहीं था, तो लोग वहाँ फैजाबाद जाने के लिए साधन उधन थे नहीं, तो किस प्रकार से जाते थे? साधन तो थे, कम थे, लेकिन हम लोगों के जैसे पिताजी या दादाजी थे तो सब बेचारे साइकिल से जाते थे उस समय। मतलब जो यहाँ विद्यालय था एक ही विद्यालय साकेत था? हाँ, साकेत पीजी कॉलेज, डिग्री कॉलेज, वही एक ही था, डिग्री कॉलेज था उस समय, डिग्री कॉलेज। तो वहाँ लोग इतनी दूर से पैदल जाया करते थे? हाँ हाँ, पैदल जाते। ये किस शासन में हुआ था? ये बसपा शासनकाल था। बसपा शासनकाल मायावती जी के शासनकाल में? मायावती जी के शासनकाल में था। और 19 सितंबर 1995 को, हाँ, जिला की घोषणा उन्होंने की और डीएम वगैरह को सब साथ में लेके आई थी। मतलब जो डीएम थे सबको साथ लेकर, अपने तरफ से लेकर आई थी। तो डीएम थे, एसपी थे, सारे लोग साथ में लेके आए थे। तो क्या बताएंगे, जब जिला बन गया ये, इससे क्या राहत? बहुत राहत। इससे अब क्या राहत है ये बताइए। अब जिला बनने से सबसे बड़ी राहत तो ये है कि हमारा मुख्यालय 25 किलोमीटर के इर्द गिर्द घिसक गया यहाँ पे। मतलब कि अगर कोई राजे सुल्तानपुर से वहाँ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटा लगता है। हाँ हाँ, मतलब दिन भर में वो राजे सुल्तानपुर या जहाँ पे आजमगढ़ जिला बॉर्डर शुरू होता है वहाँ से अगर आना चाहे तो दिन भर में अपना काम निपटा के जा सकता है वो मुख्यालय से, जो जिले से संबंधित काम है। मतलब जब ये जिला बन रहा था 29 सितंबर 1995 को, लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी? इसके अपेक्षा समर्थन कर रहे थे कि नहीं कर रहे? नहीं, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी थी, सारे लोग समर्थन कर रहे थे और सारे लोग जानते भी थे कि कम से कम हमको इतनी लंबी डिस्टेंस से छुटकारा मिल रहा है। नहीं तो ऐसा नहीं जैसे राजनीतिक की बसपा कर रही है तो कुछ राजनीतिक, तो देखिए शासन सत्ता का मामला है, तमाम शासन आए हैं, तमाम जगह का नाम बदलाव हुआ है, तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुल मिला जुला के अम्बेडकर नगर के लिए ये बहुत ही सार्थक, बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ, चलिए, बहुत बहुत आभारी हैं कम से कम बहन कुमारी मावते जी के उस समय के लिए। फिलहाल मैं किसी राजनीतिक मंच से नहीं जुड़ा हूँ, मैं सिर्फ अपने जय भीम चेतना समिति संगठन का अध्यक्ष या कार्यकर्ता या सदस्य के रूप में ही कार्य कर रहा हूँ। इस संगठन में आपने बताया कि 8 गांव के लोग, 8-9 गांव के लोग जुड़े हुए हैं। जो जयंती समारोह हुआ या बुद्ध पूर्णिमा हुआ सब लोग मनाते हैं, और हम लोगों का संगठन बार बार करना चाहूँगा बिल्कुल शुद्ध रूप से अराजनैतिक संगठन रहेगा। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताएंगे सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, मैं जय भीम चेतना संघ का संगठन मंत्री हूँ। मेरा डॉक्टर नाम डॉक्टर निंकू राम है। तो आप बताएंगे, जो अम्बेडकर नगर जिला है ये सबसे पहले तो
फैजाबाद में ज्वाइनिंग जुड़ा हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, इस जिले की स्थापना 29 सितंबर 1995 में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती ने किया था। और ये स्थापना इन्होंने वहाँ किया था शिव बाबा के मैदान विशाल, वहाँ बहुत से लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उसी समय इन्होंने इसकी स्थापना किया था। मतलब कि उस समय मायावती जो थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी थी, वो उस समय मुख्यमंत्री थी। अच्छा, मुख्यमंत्री थी, हाँ, उन्हीं की सरकार थी। सरकार थी, हाँ। तो जैसे जब ये जिला बना नहीं था तो इसमें समस्या काफ़ी ज़्यादा थी। अरे भैया, जब जिला नहीं बना था तो यहाँ बहुत समस्या थी। यहाँ हम लोग जो है बसखारी में, यहाँ से 85 किलोमीटर दूर जो है फैजाबाद जाते थे मर मुकदमा देखने, और भी जो काम होता था उसको देखने के लिए हम लोग 85 किलोमीटर वहाँ जाना पड़ता था। लेकिन जब से ये जिला बन गया है तब से हम लोग अब 25 किलोमीटर में अपना हर काम कर ले रहे हैं। 60 किलो दूरी नहीं तय करनी पड़ती है। जब ये जिला था तो क्या आप वहाँ जो सकेत विद्यालय है पढ़ने या? नहीं, उसमें मैं भी पढ़ने गया था। मैं साकेत महाविद्यालय में मैं जो है BSc करने गया था। हाँ, तो यहाँ से रेगुलर क्लास करते थे कि? नहीं, वहाँ मैं रहता था, वहाँ रानोपाली हॉस्टल था, उसी हॉस्टल में मैं हॉस्टल में रहते थे। जब ये जैसे ये जो जिला है फैजाबाद से कटके ही बना था कि जो पास के और जिले हैं उनसे भी कटके? नहीं, फैजाबाद से कटके बना हुआ है, फैजाबाद से अलग हुआ, क्योंकि हम लोगों का जिला पहले फैजाबाद ही था, तो उस जिले से अलग होकर के ये डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये जो है जिला बना हुआ है। ये जिला डॉक्टर अम्बेडकर नगर नाम से बना है, अम्बेडकर नगर। तो जैसे ये जो जिला बना हुआ है तो 1995 के पहले जब बना नहीं था तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र था इसका। अरे बहुत बड़ा क्षेत्र था भाई, यहाँ से लेकर के राय सुल्तानपुर तक के लोग जो है उससे जुड़े हुए थे। लेकिन जब से ये जिला बन गया है अब वो लोग भी अब 25-30 किलोमीटर की दूरी में अपना काम कर ले रहे हैं। मतलब आसानी से अपना काम हो रहा है उन लोगों का। नहीं तो क्या बोले, जो राजे सुल्तानपुर के थे उन्हें फैजाबाद जाने के लिए पूरा समय 2 दिन का उसी में नष्ट। अरे भैया, 2 दिन, 1 दिन पहले वो अपना जाते थे, फिर वहाँ रात रुकते थे, फिर विमान पर जो है अपना मर मुकदमा देखते थे। मर मुकदमा देखने के बाद कभी कभी तो उन लोगों को रात भी रुक जाना पड़ता, दूसरे या तीसरे दिन आना पड़ता। अच्छा, था बहुत बड़ी समस्या थी। इस जिला जब नहीं बना था, जब जिला नहीं बना तो बहुत बड़ी समस्या, और जिला बन गया तो लोगों को बहुत, अरे बहुत बड़ी राहत मिल गई है। अब वो लोग जो दिन भर में अपना काम निपटा करके अपने घर वापस हो लेते हैं। जब ये जिला बन रहा था 29 सितंबर 1995 को तो लोग इसके समर्थन में थे कि नहीं थे? नहीं, समर्थन में थे, इसलिए लोगों को बहुत दुश्वारियाँ झेलना पड़ती थी, बहुत मुसीबत झेलना पड़ता था उन लोगों को, इतना दूर जाना पड़ता था, इसलिए लोग वो सभी लोग समर्थन में थे कि भाई जिला बनना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिला बनना बहुत, जैसे अगर ये जिला बन रहा है तो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम से बना है ये जिला अम्बेडकर नगर, तो कोई भी वो ऑब्जेक्शन किया होगा कि इनके नाम से ही या रोहिल्लोहिया के नाम से बनना चाहिए? नहीं, कुछ ऐसी पार्टियाँ थी जो चाह रही थी, लेकिन इसके पहले मुलायम सिंह सरकार थी, अगर मुलायम सिंह चाहते तो वो बना देते थे, बना देती दिए होते, लेकिन जब वो इच्छुक नहीं थे, नहीं बना पाए, जब बहन कुमारी मायावती आई तो उन्होंने तड़से जो है अम्बेडकर नगर के नाम से जिला बना, तड़से अम्बेडकर नगर जिले नाम से। तो मतलब इस नाम से और इस जिले से सब लोग संतुष्ट हैं? अब तब एकदम सभी संतुष्ट हैं। तो इस समय जो अम्बेडकर नगर की कार्यशैली है काफ़ी अच्छी चल रही होगी? बहुत अच्छी चल रही है, लोगों को उससे आराम भी है, सुविधाएं भी हैं, हर चीज़ उन लोगों को आसानी से सब काम हो जा रहा है उनका। ऐसा बताया जाता है जो यहाँ के पहले DM थे, SP थे, वो जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थी मायावती जी, वो खुद लेकर आई थी? हाँ, वो तो वहीं से लखनऊ से साथ ही में लेके आई थी, वो जो DM SP दोनों DM SP दोनों लोगों को साथ में लेके आई थी, और तुरंत उन लोगों को जो है कार्यभार संभलवा दिया। तो क्या आप बताएंगे कि DM SP का क्या नाम था? DM का नाम था रमा रमण था, और SP का नाम तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी थे। हाँ, हेलो दोस्तों, माय अम्बेडकर नगर चैनल पे आज 29 सितंबर माय अम्बेडकर नगर के स्थापना दिवस पर का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, और हाँ दोस्तों, लाइक जरूर करिएगा, जिससे हम लोगों को प्रोत्साहन ज़्यादा मिलता है। अगर दोस्तों आप लोग को अम्बेडकर नगर का इतिहास देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके उसमें देख लीजिएगा। हम लोग अम्बेडकर नगर इतिहास के विषय में 2 वीडियो बना चुके हैं, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारे अम्बेडकर नगर के रहने वाले सभी जो दूर रहते हैं, देश विदेश में रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, वो लोग भी हमारे अम्बेडकर नगर का इतिहास जान सकें। दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दोस्तों, बाय बाय, सी यू। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों।